बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। आज मैं मेहंदी की नई रेसिपी लाई हूँ। मैं पहले ही एक शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग अगर देखे होंगे तो आज मैं दूसरी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं बनाना कैसे। आप बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की मेहंदी लीजिएगा, क्योंकि अगर मेहंदी ख़राब हुई ना तो फिर आप कुछ भी ऑयल डाल लो, कलर नहीं आने वाला है। तो मेहंदी को मैं कपड़े की मदद से छान ली थी, तो उसके अंदर देखिए इतना सारा कचरा निकला था। तो मेहंदी आप प्लीज़ अगर ले लीजिए तो प्लीज़ छान लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कलर कचड़ा रहता है, फिर कौन फंसती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। तो मैं 100 ग्राम मेहंदी ली हूँ, नॉर्मल गरम पानी, मतलब ठंडा हो गया, उसको डाली हूँ। तो मैं 2 ऑयल डालूँगी इस बार। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑयल है। तो धीरे धीरे पानी डालिएगा मिक्स, धीरे धीरे, मतलब ज़्यादा मत डालिएगा। तो ये लेमन है, मैं 3 लेमन का अर्क ली हूँ, नॉर्मल जो हमारे घर लेमन आता वही है। तो आप 3 लेमन का अर्क ले लीजिए। और मैं शक्कर लूँगी तकरीबन मतलब 30 ग्राम के आसपास। अब लेंगे ऑयल, तो इकलिप्टस ऑयल ली हूँ 15 ml मैं लूँगी टी ट्री ऑयल। मैं दोनों तेल को आधा आधा ली हूँ, मतलब 15-15 के हिसाब से ली हूँ, तो 30 ml ही चाहिए इसमें। तो 15 ml 50 ml में इकलिप्टस ऑयल ली और 15 ml और मैं ली हूँ टिट्री ऑयल। दोनों को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करिएगा, क्योंकि मिक्स करने का ही अब कमाल है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर जब मिक्स करूँ तो गीली हो जाती है, पूरी कोन ख़राब हो जाती है। एक दो बार मेरे साथ हो चुका है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ पानी डालने में। तो आप अच्छी तरह मिक्स करके इसको अच्छी तरह रैप करिएगा। रैप करने के बाद आप इसको तकरीबन मतलब 24 घंटा, मौसम के हिसाब से ही रखिएगा। अगर आप ठंडी जगह हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा गर्म है तो 8-10 घंटा भी बहुत है। तो उस हिसाब से आप रखिएगा, और आप अपनी तरफ का टेम्परेचर भी देख लीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह क्लीन करके एक अच्छी तरह पैक कर लीजिएगा। ऊपर थोड़ा सा पानी डालिए ताकि ऊपर से ये सूखे ना। तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल सा पानी, जो नॉर्मल पानी है वही डालूँगी, और इसको रैप करके मैं कुछ गर्म जगह रखूँगी, जहाँ आपका कोई भी घर, मतलब रूम आपके घर में जो जगह हो गर्म टाइप की, वहाँ पर रख दीजिए। तो मैं 24 घंटा रखी हूँ। रखने के बाद माशाल्लाह डाई बहुत अच्छी रिलीज़ हुई थी, आप देखिए बहुत ही अच्छी हुई थी। तो अब इसमें हम धीरे धीरे थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, अगर डालेंगे तो फिर आपको वही प्रॉब्लम होगी, मतलब गीली हो जाएगी। तो अब हमको बस मिक्स करने का वो है, बहुत अच्छी तरह मिक्स करिएगा। तो मैं उस दिन तो बीटर से बीट की थी, अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देखी है तो उसमें भी बहुत अच्छा कलर था। तो मैं सोची क्यों ना न्यू रेसिपी ट्राई की जाए, क्योंकि कई बार करने से ये रहता है ना, हमको एकदम परफेक्ट पता चलता है कलर वाला, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा है। इंशाल्लाह मैं आपसे 2-3 रेसिपी शेयर करूँगी धीरे धीरे। तो मैं जो पहले रेसिपी शेयर की थी इकलिप्टस ऑयल वाली, उसका कलर बहुत ही अच्छा था। बस ये था कि ना, जैसे 24 घंटे बाद कलर धीरे धीरे इसका डाउन जाने लगा था। ये जो मैं बनाई थी, इसका कलर जैसे कुछ दिन रुका हुआ, कुछ दिन इसका कलर था, 2-4 दिन तक अच्छा डार्क था। तो मुझे इसका थोड़ा सा अच्छा लगा था ये चीज़, और कलर इसका भी बहुत प्यारा आया था। आप कौन में देखे होंगे आगे कि मेरी कलर बहुत प्यारा था। तो अब मैं इसको ना इससे बीट करूँगी, क्योंकि अब मेहनत लगाना है, जोर लगा के करना है। मैं उसे कर सकती थी, लेकिन मैं फिर सोची अगर जिसके पास नहीं होगा तो उसको प्रॉब्लम होगी कि मैं इससे तो नहीं कर सकते, तो हम इस चीज़ से भी कर सकते हैं, हैंड वाले बीटर से। तो हम इसको हाथ से ही खूब अच्छी बीट करेंगे। तो आप प्लीज़ बहुत अच्छी मेहंदी लीजिएगा, क्योंकि ये गलती मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। मैं बहुत आप वीडियो भी अपलोड की हूँ, मेरी मेहंदी अच्छी नहीं रहती थी, मैं सब कुछ डालती थी, मेरा कलर नहीं आता था। तो बेस्ट है कि आप बहुत अच्छी मेहंदी लीजिए, और ये देख के लीजिए कि वो हाथ वाली है कि नहीं, क्योंकि अब नॉर्मली जो मिलती है ना वो सर की होती है। बस मैं यही गलती कर रही थी, कहीं से उठा के ले लेती थी और फिर वो उससे डायरेक्ट मेहंदी कोर बनाती थी, कलर उससे बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो आप ये गलती मत करिएगा, आप मेहंदी बहुत ही अच्छी ढूंढ के निकालिएगा, थोड़ा महंगी भी होगी तो भी चलेगा, लेकिन मेहंदी अच्छी लीजिएगा। और ऑयल का भी बहुत बड़ा कमाल है, ऑयल आप लीजिएगा तो आप ये ज़रूर चेक, ऑयल आप चेक करिएगा कि ओरिजिनल है कि नहीं। उसको चेक करने का एक ही तरीका, आप 2 ड्रॉप कोई पेपर पे या टिश्यू पेपर पे डालिएगा, तो इससे क्या होगा ना, जो अगर ओरिजिनल होगा तो आपको मतलब उड़ जाएगा तेल, पेपर पे तेल नहीं दिखेगा। अगर वैसा होगा तो उस पर तेल दिखेगा, नॉर्मली तेल डालो तो पेपर पे तेल दिखता है, तो वो तेल नहीं दिखेगा, ओरिजिनल वाला तेल नहीं दिखेगा। 2 ड्रॉप डाल के आप चेक करिएगा, तो आप इसी तरह चेक करके देख लीजिएगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। हमारी मेहंदी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, उसका देखिए कितने अच्छी सी क्रीमी टाइप की बनी है। तो आप एक प्लास्टिक ले लीजिए, क्योंकि अब हम कोन बनाएंगे, और एक पतला मोज़ा सॉक्स जो होता है,
या स्टॉकिंग है या पाइपिंग बैग है, दोनों चीज़ हमको चाहिए। तो आप वो ले लीजिए और उसमें पूरा अच्छी तरह डाल के, मैं ये गलती कर दी थी, प्लास्टिक के साथ मुझे उठाना था, जैसे ये मैं सिर्फ स्टॉकिंग उठाई हूँ तो ऐसे क्या मेरा हाथ पूरा ख़राब हो चुका था। तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा और आप धीरे धीरे ऐसे अच्छी तरह फोल्ड करके ये स्टॉकिंग है इसको धीरे धीरे खींचिएगा, पूरी मेहंदी छन के अंदर प्लास्टिक के अंदर रह जाएगी, ताकि जो भी कचरा है उसका जो बच गया है वो पूरा उसी के अंदर रह जाएगा। मैं आपको दिखाना भूल गई, नहीं तो मैं आपको दिखाती, उसके अंदर बहुत सारा कचरा, मतलब छानने के बाद, मैं दुपट्टे से छानने के बाद मेहंदी फिर भी उसके अंदर कचरा था। थोड़ा जान लगा के ही करना है, तो आप जान लगा के ही निकालिएगा, मेरा थोड़ा मैसी हो गया था पहले। तो चलिए अब हम लोग कौन बनाते हैं। कौन बनाने के लिए आप प्लास्टिक, मतलब नॉर्मल आप बुक शॉप पर जाएंगे, जाओ जो गिफ्ट पैक आता है प्लास्टिक में भी आता है वो भी ले सकते हैं। मैं वही पेपर ली हूँ जो नॉर्मल हम लोग गिफ्ट पैक करते हैं ना पेपर से, सॉरी जो प्लास्टिक वाला आता है, तो आप उससे ले लीजिएगा, वही से उसी से काट के आप कौन घर पे बना लीजिएगा। मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी था, आप वो देख लीजिएगा। तो आप धीरे धीरे डाल के देखिए ऐसे ही करिएगा, अब पूरा फुल मत करिएगा नहीं तो फिर ऊपर से निकलेगी, थोड़ा सा हमको गैप रखना है। और कैमरे में इतनी अच्छी तरह नहीं मैं दिखा पाई थी, नहीं तो आप कोई कप ले लीजिए या कोई जैसी भी चीज़ आपके पास है, कोन पूरे उसके अंदर पहले खड़ी कर दीजिएगा, ताकि धीरे धीरे कोन जो मेहंदी वो नीचे भी चली जाएगी, और वो सबसे बड़ी बात है एक साथ आप भर लेंगे ना फिल करके कोन में मेहंदी, तो आप फिर टेप लगाइएगा, नहीं तो एक एक करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरा मैसी होगा। तो ऐसे एक साथ कर लीजिएगा। अब माशाल्लाह कलर देखिए मेरे हाथ में, सिर्फ भरने में ही देखिए कितना प्यारा कलर था, कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा था। बस यही है मैं आपसे बोलूँगी कि बार बार बोल रही हूँ कि मेहंदी प्लीज़ अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, तेल का भी इसी तरह आप चेक कर लीजिएगा, फिर आप ऊपर से ऐसे टेप लगा के ताकि मेहंदी बाहर से मतलब ऊपर से ना निकले, अच्छी तरह पैक करिए, फिर आप मेहंदी आराम से लगा लीजिएगा। जब आप ज़्यादा कोन बनाइए ये मेहंदी ज़्यादा चलती नहीं है, यानी कि आप बाहर फ्रिज में 10 दिन 12 दिन नहीं लगा सकते, जो ओरिजिनल मतलब फ्रेश हेना विदाउट केमिकल की बनती है वो ज़्यादा चल नहीं पाती, 15 दिन में वो ख़राब हो जाती है, 15 दिन तो बहुत है, हफ्ते भर में ही ख़राब हो जाती है, कलर नहीं आता। तो इसको स्टोर करने के लिए आप ना इसको अच्छी तरह से रैप करिए प्लास्टिक में पेपर लगा के, और उसको फ्रीज़र में रखिए, आप इसको 6 महीने आराम से यूज़ कर सकती हैं। और जब भी आप निकालेंगे बर्फ़ रहेगा तो आप 10 मिनट के लिए बाहर निकालिए और आपकी मेहंदी एकदम फ्रेश रहेगी, आप आराम से लगा सकती, कलर भी बराबर आएगा। तो आप ऐसे करके पूरी स्टोर करके रख सकती हैं, मैं ऐसी ही रखी हूँ और ऐसी लगाती हूँ, क्योंकि ये सब मेहंदी काम है जिसे बहुत लंबा काम होता है, बार बार हम नहीं बनाएंगे निकालेंगे, तो एक बार ज़्यादा बनाइए और इसको फ्रीज़र में रखिए, फ्रिज में नहीं रखिएगा, जिसमें बर्फ़ जमा थी उसमें ही रखिएगा। तो ऐसे करके आप ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकती हैं। तो अगर मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत अच्छी रेसिपी बताई है मेहंदी की, इंशाल्लाह मुझे ऑयल नहीं मिला, नहीं तो मैं वही ट्राई की होती, इंशाल्लाह ऑयल मिल जाएगा तो मैं वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोग से, क्योंकि उन्होंने बताया है तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि वो मेरे अक्सर मेरी वीडियो में आती हैं, कमेंट्स करती हैं और बताती हैं कि आप ये करिए वो करिए, बहुत उनसे गाइड मुझे मिलती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गाइड कर देती हैं, तो अच्छा लगता है। अगर आप लोग के पास भी कोई ऐसी टिप्स होगी तो ज़रूर मुझे शेयर कर, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी बात होगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपको कुछ गाइड भी करना है तो प्लीज़ करिएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, प्लीज़ लाइक किया करिए और कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए। चलिए मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिए, अगर कुछ आपको है मतलब कुछ बात बताना है तो आप मुझे आराम से बता सकती हैं, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है कि क्या है ये वो कुछ नहीं है। फ्रेंड ये इतनी अच्छी निकलती है ना, जब एकदम परफेक्ट सब होता है तो निकलती बहुत अच्छी है, मेहंदी निकलती बहुत अच्छी है, तो फिर लगाने में मज़ा बहुत आता है, तो कलर भी बहुत